हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन यूनाइट की। तो पोकेमॉन यूनाइट में हम आज बात करने वाले हैं कि हम पोकेमॉन यूनाइट में जो पूरी सेटिंग को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, वहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी सारी न्यू वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सके। तो गाइस, चलिए हम जिस पे वीडियो बनाने वाले हैं तो चलिए उस पर हम काम चालू करते हैं। तो गाइस, हम पहले जाते हैं सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स पे जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो है एक सिस्टम कंट्रोल का, सिस्टम सेटिंग का। तो इसमें पहली जो चीज़ आती है वो है ग्राफिक्स क्वालिटी। तो जो आपकी डिवाइस के लिए ग्राफिक्स रखी गई होंगी आप उसी पे रखिएगा। मेरे लिए लो पे है तो मैं लो पे ही रखा है। अगर मैं मीडियम पे कर लूँगा तो मेरा मोबाइल में ये गेम थोड़ा लैग करेगा। फ्रेम रेट भी उतना ही रखेगा जितना है। और यहाँ से आप लैंग्वेज से आप जो चेंज का ऑप्शन है आप इधर क्लिक करके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ट्रेनर के फैशन इमोशंस दिखा सकते हैं। यहाँ पे वाइब्रेट का सिस्टम है, इसको आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट चैट है, इसको भी आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले वॉइस चैट सेटिंग है, इसको भी आप ऑन करेंगे तो आप वॉइस चैटिंग कर पाएंगे गेम खेलते समय। और यहाँ से आप कर सकते हैं हाइड प्लेयर्स नेम, प्लेयर्स की नेम को हाइड भी कर सकते हो इधर से ऑफ करके। और डाटा यूसेज और क्लोबाइंड। अब आगे की बात आती है हमारे कंट्रोल पे। तो कंट्रोल पे आपके जो मोबाइल में दी गई हो आप उसी पे रखिएगा मेरे लिए, मेरे ख्याल से। तो गाइस, मेरे लिए इतना ही दिया गया है तो मैंने लोएस्ट पे रखा है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक बेसिक अटैक्स पे जो ऑटोमेटिक बेसिक अटैक्स का मतलब है जो स्टार जैसा ये वाला जो अटैक होता है इसको आपका जो पोकेमॉन है खुद करेगा। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी। और लॉक ऑन आइकन में आप इसको ऑन कर सकते हैं। लॉक ऑन आइकन से क्या होगा, जैसे आपके ऊपर तीन अपोजिट टीम के ज़रूरत लुकारियो और ग्रेनिंजा हैं तो जैसे आपको सिर्फ ग्रेनिंजा पे अटैक करना है लेकिन आपका अटैक लुकारियो पे पड़ रहा है तो आप ग्रेनिंजा पे, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप ग्रेनिंजा पे क्लिक करेंगे तो आपका अटैक सिर्फ ग्रेनिंजा पे ही पड़ेगा। और इससे आप ग्रेनिंजा की डबल टीम को भी चकमा दे पाएंगे ताकि जिससे आपको असली ग्रेनिंजा पता चल जाएगा। अब मूव एम सेटिंग, यहाँ पे आपको मूव एम, यहाँ पे एम लगाने के जो ऑप्शन होते हैं इधर से वो चालू होते हैं। यहाँ पे मूवमेंट पैनल पे ही कीजिएगा। इन मोशन परसूट डिस्टेंस इधर आपको स्टैंडर्ड पे रखनी है। ये इन मोशन परसूट मोड इसको भी ऑन रखना है गाइस। स्कोरिंग बटन, अब आप इधर स्कोरिंग बटन कैसे करना चाहेंगे, अगर प्रेस करके दबा दबा के करना चाहेंगे तो आपका दबा के होगा, अगर होल्ड बटन पे करना चाहेंगे तो आप उसको दबाए रखेंगे फिर वो गोल होगा। अब ये मूव पेनल्टी, इसको आपको हाई पे करना है। कैमरा फ्लो मूव, इसको ऑफ कर देना है। और मूव एम को भी ऑफ कर देना है। और एम स्नैप नियर बाय टारगेट, इसको भी ऑन कर देना है। और गाइस, ये जो दिखा रहा है दूसरा कैमरा मूवमेंट, इसको भी आपको स्लाइड पे कर देना है। और कैमरा सेंसिटिविटी को आपको लो पे मतलब मीडियम पे कर देना है। तो गाइस, मैंने अपनी सेट कर ली है, मेरी हट गई थी अभी। यहाँ से आप अपने सारे डिफ़ॉल्ट रीसेट कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं बैटल इन्फो की। अब बैटल इन्फो में जो ऑप्शन आता है वो शिफ्ट ट्रेनर नेम एवोप एचपी के ऊपर ट्रेनर्स नेम दिखाई देंगे आप उसको अगर ऑन करेंगे। बूस्ट अटैक गॉफ ऑफ कर देना है आपको उसे। शो कूल डाउन डेसिमल वैल्यू, उसको आपको ऑफ कर देना है। इससे मतलब आपको डेसिमल में जो अटैक आने वाला होगा वो डेसिमल में उसकी काउंटिंग दिखाई देगी। और हाईलाइट आउटलाइंस पे आपको बहुत ही अच्छी आउटलाइंस दिखाई देगी, मैंने इसको ऑन कर रखा है। ऑडियो पे आपको सारी चीज़ें ऑन करनी है जिससे आप वॉइस चैट कर पाएँ। प्राइवेसी सेटिंग पे आपको ऑनलाइन रखना है और अलाउ स्पेसिफिकिंग ये अलाउ ऑन करना है। और बिकम एनोनियम्स, इसको भी ऑफ कर देना है। हाइड लॉबी आईडी, इसको भी ऑफ कर देना है। और यहाँ से आप अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं। आप किसी और से लिंक करना चाहते हैं तो आप दूसरे अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं। और यहाँ से डाटा डाउनलोड से आपके हाई ग्राफिक्स के डाटा डाउनलोड हो पाएंगे। और यहाँ से अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका डाटा अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं सब्सक्राइब भी कर देना और वहाँ पर लगे बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।